Today's video is another exciting one for me, another lip swatch. आज मैं फीचर कर रही हूँ फ्लावर ब्यूटी की मिरेकल मैट लिप लिक्विड लिपस्टिक्स. उनके रेंज में 12 शेड हैं, मैं 11 ले आई हूँ आपके लिए. एक बहुत ही फीका था, आई डिडंट थिंक इट वुड रियली मेक सेंस. पूरे 11 शेड्स स्वॉच्ड एंड रिव्यूड हैं, आप देखते रहिए. Hi, I'm Aparna Ganesh and I welcome you to Joy Geeks, a channel where I create beauty and wellness videos exploring beauty completely inside and out. Flower Beauty Miracle Matte Lip Lipstick lai hu aapke liye. Ye brand kuch time se launched hai, but jab maine ek lipstick try kiya, I thought this deserves love and I should bring baki sare shades swatched and reviewed for you. Ye lipstick 970 something mein actually available hai on Nykaa. पर मैंने 30% सेल में लिया था, विच केम टू अबाउट 600 समथिंग, विच इज़ एक्चुअली द US प्राइस. फ्लावर ब्यूटी इज़ अ क्रुएल्टी फ्री एंड अ पैराबिन फ्री ब्रांड, तो इट ओनली मेक्स मी हैप्पी कि यू नो ड्रू बैरीमोर हैज़ वर्कड अप एंड ब्रॉट इट एट सच अ गुड प्राइस इन द US. इंडिया में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आई नो हमें ज़्यादा पैसा देना बिल्कुल पसंद नहीं है. जब सेल होता है तो जंप एट इट, पर जब नहीं है तब भी आई वुड से दैट इट्स वर्थ 900 समथिंग. मैं आपको पैकेजिंग पहले दिखाती हूँ. एक बहुत सुंदर गोल्ड एंड वाइट एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है ये. ऐसे लिक्विड बॉटल्स तो बहुत हैं, पर इसका डिफरेंशिएटर ये है कि इसमें गोल्डन पेटल्स हैं. ये बहुत स्मार्ट पैकेजिंग है क्योंकि यू कैन सी द कलर वेरी क्लियरली एंड फ्लावर ब्यूटी विल रियली स्टैंड आउट इन माई वैनिटी. क्योंकि उन्हें मिरेकल मैट लिप तो बहुत बोल्ड से लिखा हुआ है साइड में, साथ में कलर का शेड भी लिख देते तो आई थॉट वुड हैव बीन रियली गुड. Anyway, they have written it in bold नीचे and if you open this also you'll know that there is this sponge tip applicator. मोटा नहीं है, so it's a little flattish and it helps you to you know take it at an angle and move well around the edges of your mouth. ये lipsticks की pigmentation solid है, range काफ़ी decent है, उसमें कुछ grey tones भी हैं, reds बहुत beautiful हैं, nudes भी बहुत beautiful हैं, तो I'm quite happy with the shade range. आपको एक अच्छा मेकअप रिमूवर लगेगा ये निकालने के लिए एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू डू. ये बहुत लॉन्ग वेयरिंग लिपस्टिक है, जब आप खाओगे तब हल्का सा निकलेगा, बट यू कैन टच अप. बट आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि इतना हाइड्रेशन देते हुए दिस इज लास्टिंग सो लॉन्ग. यू हैव टू वेट अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फॉर दीज लिपस्टिक्स टू ड्राई डाउन. आई ब्रॉट माई किटी बैग. इलेक्ट्रिकल वंस भी आते हैं, पर ये मेरा हाथ के लिए भी अच्छा वर्कआउट है ना. आई कैन यूज बोथ हैंड्स एंड डू दिस. This is now completely dried and I will show you it is transfer proof. Ta-da! It is transfer proof and because it dried off well. एक टिप मैं देती हूँ, अगर आपको इसको लॉन्ग स्टे रखना है और क्विक ड्राइंग रखना है तो आप लिप बाम मत लगाइए नीचे. लिप बाम लगाने पर बहुत टाइम तक नहीं ड्राई करता, इनफैक्ट आई डोंट थिंक ड्राई करता है एट ऑल. सेकेंडली आप थिन लेयर लगाइए, अगर आप मोटा लेयर लगाते जाएंगे तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा सूखने में. डेफिनेटली ये लिपस्टिक मक्खन की तरह ग्लाइड करता है और दिखता भी मक्खन की तरह है. इट्स वेलवेटी मैट एंड वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स एंड ट्रांसफर प्रूफ एंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर मी इट्स एन ए प्लस. ये ऐसा लिपस्टिक है जो एक्चुअली आप यूज़ कर पाएंगे थ्रू द ईयर, बिकॉज मोस्ट लिक्विड लिपस्टिक्स समर में मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, बट विंटर्स में आई कैन नॉट ट्राई इट बिकॉज तभी मेरे लिप्स बहुत ड्राई होते हैं. मैं बहुत खुश हूँ नायका फ्लावर ब्यूटी को ऐसे ले आया है इंडिया एंड आई थिंक दे विल बी कमिंग अप विद अ लॉट मोर ब्रांड्स, तो आई थिंक वी शुड वॉच आउट. फ्लावर ब्यूटी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं काफ़ी ट्राई करती आ रही हूँ, आई थिंक दे आर अ वेरी गुड कंपनी. ये प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, द डिटेल्स ऑफ द शेड, व्हाट आई फील अबाउट इट. मेरे फेवरेट शेड्स पे हार्ट होगा एंड आई विल गिव यू अ नायका लिंक. अगर आप मेरे लिंक यूज़ करेंगे यू विल बी सपोर्टिंग माई चैनल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू. फिलहाल मैं नेचुरल लाइट में नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि आपको पता है बारिश हो रही है और मुंबई में तो बहुत डार्क क्लाउड्स हैं, कलर्स वुड बी ऑल ओवर द प्लेस. आपको बिल्कुल भी लिपस्टिक के कलर्स ओरिजिनली नहीं दिख पाते. दिस इज़ अ मच बेटर सेटअप जहाँ पे आपको कलर बहुत अच्छे से दिखेगा बिकॉज इट इज़ डे लाइट. सो द लाइटिंग सेटअप दैट आई हैव विल गिव यू द ट्रू कलर ऑफ द लिपस्टिक. तो ये आपके कलर्स को बिल्कुल नहीं यू नो टैम्पर करेगा और आपको आपके लिपस्टिक कलर्स बिल्कुल सही दिखेंगे. अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो और स्वॉच देखने की जल्दी है, जल्दी एक लाइक बटन दे दीजिए. यू विल मेक माय डे.
I would avoid this for dim skin tones and the darker skin tones. I mean, if I had a gloss on top of it, it might work much better with really smoky eyes. ये nude blush है बहुत हल्का फुल्का bright pink है जो fair skin girls पे I think बहुत अच्छा लगेगा. Dusky skin tones I'm not very sure. मेरे पे just about right है. एक और बेबी पिंक है जो ब्राइट है फेयर स्किन्स पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा बहुत डार्क स्किन पीपल कैन आई थिंक स्टे अवे फ्रॉम दिस आई थिंक दिस इज अ माइंड ब्लोइंग शेड सॉफ्ट बेरी एक ऐसा सिंपल स्वीट कलर है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में पहन सकते हैं एट द सेम टाइम ओकेजन में भी पहन सकते हैं ये हर स्किन टोन को आई थिंक सूट करेगा बहुत फेयर स्किन टोन्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ा ब्राइटर रहेगा लेकिन इवन डस्की टोन्स कैन टोटली कैरी दिस ऑफ दिस आई वुड से इज लाइक अ फ्लोरोसेंट ऑरेंज पिंक टोन और एक्चुअली ये बहुत फन शेड है फॉर अ नाइट आउट और समथिंग इफ यू रियली वॉन्ट समथिंग लाउड ये आपको बहुत पसंद आएगा True red color, I would say. It's not a deep red, it's a bright red. सारे skin tones को suit करेगा ये बहुत bright red है Beautiful shade. ये scarlet letter और crimson touch दोनों ही बहुत पसंद है ये उससे थोड़ा deep लगता है मुझे but depending on the shade of red that I'm wearing, I'll opt for one of the two. बहुत ही सुंदर शेड है मलॉट किस ये एक वाइन टाइप ऑफ शेड है जो कि डेफिनेटली बोल्ड दिखेगा अगर आप दिन में पहनोगे पर मुझे तो पसंद है ऐसे शेड्स डार्क स्किन टोन स्पेशली बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि आई फील डार्क स्किन टोन्स के लिए बहुत कम लिपस्टिक सूट करते हैं तो ये विल बी रियली गुड डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट It is a vampy, really dark, vampy wine shade, I would say. Night outs or very edgy looks, ये बहुत अच्छा लगेगा उस पर. इसे एक्चुअली मैं कहूँगी मोव टोन्ड ग्रे वेरेबल ऑन एन एवरी डे बेसिस तो शायद नहीं होगा डिपेंड्स वॉट वर्क यू डू थोड़ा सा edgy है बट डेफिनेटली अगर आपको कोई एक नया शेड चाहिए हो कुछ अलग सा चाहिए तो ये शेड आपको बहुत पसंद आएगा दिस विल वर्क अक्रॉस स्किन टोन्स बहुत डार्क स्किन टोन को भी ये अच्छा खासा न्यूड होगा एक्चुअली उनके लिए विथ लिटिल मोव टोन टू इट आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड आप लोग मुझे कॉमेंट्स में इतना प्यार देते हो एंड आई थिंक आई रियली फील ओवरवेल्म्ड एंड थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दैट मैं ऐसे मेहनत करती रहूँगी आई होप यू गाइज एन्जॉय द वीडियोज़ आई मेक